करनौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर एक तस्कर हुआ फरार। आठपेटी में कुल 334 ट्रेटा पैक अवैध शराब बरामद। बरामद शराब की कीमत लगभग 42,000 बताई जा रही। अवैध शराब की खेप को बिहार ले जाया जा रहा था। चकिया के ढोड़नपुर एरिया का मामला। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी को मिली बड़ी सौगात। लोकदल के कुछ कार्यकर्ताओं ने थामा पार्टी का हाथ। बसपा पार्टी में शामिल हुए लोकदल के कार्यकर्ता। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी को मिली बड़ी सौगात। लोकदल के कुछ कार्यकर्ताओं ने थामा पार्टी का हाथ। बसपा पार्टी में शामिल हुए लोकदल के कार्यकर्ता। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी को मिली बड़ी सौगात। लोकदल के कुछ कार्यकर्ताओं ने थामा पार्टी का हाथ। तो लोकदल अब बसपा के साथ आ गया है। जो बसपा ने यह ऐलान किया था कि अकेले ही सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं ये एक सफलता मिली है। हाथरस से ये बड़ी खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी को ये बड़ी सफलता मिली है। लोकदल के कुछ कार्यकर्ताओं ने थामा पार्टी का हाथ। बसपा पार्टी में शामिल हुए लोकदल के कार्यकर्ता। लोकदल के कुछ कार्यकर्ताओं ने थामा बसपा का हाथ। लोकदल के कुछ कार्यकर्ता बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा पार्टी में शामिल हुए कुछ कार्यकर्ता। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जहां चुनावी माहौल है, दल बदलने का दौर भी शुरू हो चुका है, वहीं बहुजन समाज पार्टी को ये बड़ी सौगात मिली है। जहां लोकदल के कुछ कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन थाम लिया है और बसपा में हो गए हैं।